हेलो हाय गाइस एवरीवन, ये आज वन प्लस का एक नॉर्ड सी फ़ोन है। इसको पूरा अनबॉक्सिंग करके देखेंगे फ़ोन को। और ये फ़ोन ना 20-22 हज़ार का नया फ़ोन आता है, जो ये 5G फ़ोन है, वन प्लस नॉर्ड सी। और फ़ोन बहुत अच्छा है, जो इसके पीछे के ट्रिपल कैमरे हैं और ये साइड में फ्लैश लाइट है। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ के दो स्विच हैं, यहाँ पे सिम ट्रे का है। और फ़ोन को मैं पूरा पूरा आपको फ़ोन को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे टाइप सी चार्जर है, उसके अंदर आता है पूरा करके। और पूरा फ़ोन ओपन है, मैं ओपन करके दिखाऊँ। ये इसका बॉक्स है, और इसके साथ में जो इसके ऊपर से की इस तरह की पॉलीथीन आती है वो है। और ये वन प्लस में पॉलीथीन के ऊपर देखो ये लिखा हुआ इस तरह का जो सिंबल दिया, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है उसके अंदर। और फ़ोन बहुत बड़ा खूबसूरत फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है। और ये ब्लू कलर का अंदर फ़ोन है, इसके अंदर ब्लैक भी आता है। उसके अंदर तीन वेरियंट आते थे, 6 GB आता था, एक 8 GB आता था, और एक 12 GB आता था। 12 256, 8 128 और 6 128। फ़ोन पूरा ओपन है, इस पूरा फ़ोन को अपने देखेंगे किस तरह का फ़ोन आता है देखो। और फ़ोन बहुत एकदम अच्छा खूबसूरत है, क्यों कम बजट के अंदर चीज़ देखी जाए तो वन प्लस में 5G फ़ोनों में से ये एक फ़ोन है, जो 20-22 हज़ार की रेंज का फ़ोन है। और वैसे ही इसकी प्राइस है 25 हज़ार है, और ये प्लस माइनस के ऑन ऑफ के। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आते हैं, इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आती है। और कैमरा क्वालिटी में बहुत अच्छा था इसका। मैं आपको एक बार चार्जर दिखा देता हूँ, चार्जर कौन सा है, किस तरह का है, ये देखो। यहाँ पे प्लास्टिक का एक आता है, जो कवर पीस के साथ में आता है, और ये वर्प चार्जर करके अंदर आता है। ये इसके अंदर चार्जर आता है कंपनी का, जो कंपनी से जो साथ में आता है, केबल आती है। और एयरफोन आता नहीं है, एयरफोन जैक उसके अंदर आपको अलग से। और ये ब्लू कलर का फ़ोन है, फ़ोन बहुत अच्छा है। अब एक बार अपना नॉर्मली इसका कैमरा क्वालिटी के बारे में और क्या क्या फीचर है, किस तरह का फ़ोन है, कितना वेट है, सारी चीज़ें जानेंगे। जब तक एक बार मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ताकि हर तरह का आपको मेरा चैनल का नोटिफिकेशन आए, जो मैं अनबॉक्सिंग में हमेशा नए पुराने वीडियो डालता रहता हूँ। नॉर्मल से यहाँ पे आप एक ना देखने जाएंगे तो कुछ फ्यूचर कंपनी लिख के देती है कि डिवाइस नेम है वन प्लस नॉर्ड सी 5G है, एंड्रॉयड 11 है। जैसे जो अपडेट करते रहोगे तो आगे से बढ़ता रहेगा, जिस तरह का जो अपडेट आएगा। और प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 750G का है, स्टोरेज में 8 128 है, कैमरा 64 है, सेल्फी 16 है, 90 Hz की डिस्प्ले जो एमोलेड आती है, 6.43 इंच की डिस्प्ले एमोलेड आती है उसकी। और कई सारे चीज़ें उसके अंदर, जैसे नॉर्मली और फ़ोन भी देखा जाए तो बजट के हिसाब से, लुक के हिसाब से वन प्लस कंपनी कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा फ़ोन है। ये प्राइस में फ़ोन बहुत एकदम बहुत अच्छा और अच्छा फ़ोन है, क्योंकि बाकी कंपनी में आप लेने जाओगे 20-22 हज़ार की रेंज के, इसके हिसाब से फ़ोन वन प्लस का है। और ब्रांड है कंपनी के, पीछे के कैमरे के हिसाब से हर तरह से फ़ोन देखा जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बाकी जो आप 20-22 हज़ार की रेंज में दूसरी कंपनी का फ़ोन लोगे तो उसके कंपेयर में ये फ़ोन बहुत अच्छा आता है। जो इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर है। मेन चीज़ प्रोसेसर होता है, फ़ोन किस तरह का एकदम वर्क करता है, जो स्पीड होती है चलने की, जो स्मूथ जिस हिसाब से, तो ये चीज़ देखा जाए तो बहुत अच्छी है इसके अंदर। और दूसरे नंबर उसके अंदर जो चीज़ है, 8 GB 128 GB है, और डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले है, और 6.43 इंच का है, और 90 Hz की इसकी जो डिस्प्ले है। और जो इसके अंदर जो मेगापिक्सल कैमरा है वो भी बहुत अच्छा है, जो PPI बोलते हैं शॉर्टकट में, जो उसका मेगापिक्सल काम करने का, और 409 का आता है, वो भी बहुत चीज़ है। और उसके अंदर पीछे का जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, वो है 10x डिजिटल जूम के साथ में, वाइड एंगल कैमरा प्राइमरी है। और दूसरे नंबर का कैमरा 8 का है और एक 2 का है, और LED फ्लैश के साथ में 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर सिस्टम है। तो आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कोई बनाना चाहते हो तो ये 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें बन जाएगा, जो उसके अंदर 3 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। और 16 जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 16 का आता है, वो भी 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग है, और स्क्रीन फ्लैश के साथ में फुल HD में हो जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग। और 4500 mAh की बैटरी और 30 वोल्ट का वफ चार्जर आता है, जो USB टाइप सी के साथ में, और इसमें 5G सपोर्टेड है, 2 SIM कार्ड लग दी है। और फ़ोन देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जो जो रेंज और प्राइस के हिसाब से अपने कंपेयर करें बाकी फ़ोनों के कंपेयर में तो बहुत अच्छा फ़ोन है ये वन प्लस का है। और फ़ोन बहुत अच्छा था, लुक से, डिज़ाइन से, हर चीज़ से एकदम स्लिम फ़ोन है। वेट भी उसका बहुत कम है, और साइज़ में भी अपने देखा जाए तो बहुत बड़ा फिट फ़ोन है, जो हाथ में रखने के लिए। और जो कैमरा क्वालिटी आगे का, ये देखो यहाँ का दिया हुआ, और ये स्पीकर का है। और वैसे डिज़ाइन से और लुक से भी फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है। टाइप सी चार्जर है, USB, और ये ऑन ऑफ़ के दोनों चीज़ें है यहाँ पे, और हर चीज़ें। ये फ़ोन बहुत अच्छा है, जो प्राइस के हिसाब से और रेंज के हिसाब से, जो रेंज और प्राइस जो अपने बता रहे हैं इसके हिसाब से। और मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन नए, जूने पुराने, अदरवाइज़ भी कंपनी के सारे फ़ोन आते रहते हैं। एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, आपको ऑल मोबाइल अनबॉक्सिंग लिखोगे तो वहाँ पे आपको पहला ही, और इस पर हर तरह के फ़ोन मैंने डाले हुए, नए, जूने, पुराने, अदरवाइज़,
जितने जो जो फ़ोन आता है उसका मैं अनबॉक्सिंग करके हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ, और एक्सचेंज भी अवेलेबल है आपको, एक्सचेंज में भी होगा तो कोई भी फ़ोन आप मेरे को दे के आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।